नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई जारी है। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है। एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया है। इस मामले की जांच पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सामरे की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें, आर्यन खान 7 अक्टूबर से ही जेल में बंद है। एनसीबी टीम द्वारा कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने के बाद आर्यन खान सहित कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आगे की जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत अर्जी 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर यानी आज सुनवाई होगी। आरोपी फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद। हाई प्रोफाइल रेप पार्टी ड्रग मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में लगातार जांच और कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें अनन्या पांडे के नाम का भी खुलासा हुआ था। एनसीबी लगातार कोर्ट में आर्यन खान के चैट्स के बारे में बात कर रही थी। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था। ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वहीं धमेजा शहर की बाईकुला महिला जेल में बंद है। इन पर NDPS कानून के तहत मादक पदार्थ रखने, उनके इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप। मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। NCB के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिनका सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ में बड़ा हाथ है, लेकिन अब रिश्वत के आरोपों में घिरे हैं, सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही और भी आर्यन के काफी सारे चैट्स की डिटेल NCB ने कोर्ट को दी। माना जा रहा है इसका असर आज होने वाली सुनवाई पर भी पड़ सकता है। अनन्या पांडे की बात करें तो उनसे अभी तक NCB ने 2 बार पूछताछ की। आज अधिकारी आर्यन खान मामले में कोर्ट में बिजी रहेंगे, ऐसे में आज अनन्या से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन जल्द ही उनसे फिर से पूछताछ होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।